हेलो फ्रेंड, मैं हूँ ताहिर और आप देख रहे हैं jeta.com। तो देखिए, आज हमारे पास एक इन्फिनिक्स का मॉडल देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ। इन्फिनिक्स हॉट 9 का सेट आया है, जिसका जो प्रॉब्लम है गाइस वो है हेडफोन लोगो। तो देखिए, यहाँ पर हमारा सेट में हेडफोन लोगो शो कर रहा है ऑटोमेटिक। तो ये जो सेट है गाइस, मेरे को एक टेक्नीसियन भाई ने दिया है। तो हमारा जो मेथड होता है हेडफोन लोगो को रिमूव करने का, वो सारा कुछ उस टेक्नीसियन ने ट्राई कर लिया, लेकिन इसका हेडफोन लोगो जो है रिमूव नहीं हो रहा है, तो इसलिए मेरे को दिया है। तो चलिए आज देखते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है गाइस, ये मेरे से होता है कि नहीं होता है। तो इसको रिपेयर करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें बोर्ड को डिसेंबल करना पड़ेगा मोबाइल से। तो चलिए पहले हम इसको डिसेंबल कर लेते हैं और इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपके पास भी सेम मॉडल का सेट आया है गाइस, लेकिन आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है लेकिन इसका लोगो नहीं हट रहा है, तो ये मेथड ट्राई कीजिएगा, 99% आपका जो काम है वो बन जाएगा। तो चलिए हम पहले मोबाइल को डिसेंबल कर लेते हैं। तो आज मैं जो इसका सोल्यूशन बताऊंगा गाइस, ये इसका एक्चुअल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये जो सोल्यूशन है गाइस, इसको अगर आप यूज़ करते हो तो आपका जो लोगो है वो हट जाएगा, लेकिन आपका हेडफोन काम नहीं करेगा। तो देखिए, यहाँ पर एक रजिस्टर है ब्लैक कलर का छोटा सा, अगर आप इसको रिमूव करते हो यहाँ से, तो आपका जो लोगो का प्रॉब्लम है गाइस, वो 99% आपका सॉल्व होने का चांसेस रहता है। तो अगर आपको इसमें वो रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं इसका जो फोटो होता है अच्छे तरीके से आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके आप इसका फोटो देख के उस जगह से आप इस रेजिस्टेंस को रिमूव करके आपका जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए पहले हम इसका रेजिस्टेंस को, यानी रजिस्टर को यहाँ से रिमूव करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है गाइस वो सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ से मैंने जो रजिस्टर था गाइस, उसको हमने यहाँ से रिमूव कर लिया है। तो चलिए अब बोर्ड को अच्छे तरीके से क्लीन करके हम मोबाइल में कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारा जो लोगो का प्रॉब्लम था गाइस, वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। तो गाइस, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग को अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, फॉल्ट को अच्छे तरीके से फाइंड करना चाहते हो, और उसको एकदम 100% जो है बेसिक नॉलेज के साथ रिपेयर करना चाहते हो, तो इस चैनल से आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इस चैनल पे एक नया प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, जहां से आप लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो बेसिक नॉलेज होता है और एडवांस नॉलेज होता है रिपेयरिंग के लिए, वो मैं आपको दूंगा। तो देखिए, हमने यहाँ से रजिस्टर को ओपन कर लिया है, यानी यहाँ से रिमूव कर लिया है। देखिए, ये वाला रजिस्टर था इसमें, तो मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर लिया है। तो चलिए अब हम इसको बोर्ड में कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारा जो सिंबल था वो रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो गाइज़, मैंने जो नया प्लेलिस्ट क्रिएट किया है वो अभी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने उस प्लेलिस्ट में एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया है, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाए, क्योंकि 2-3 दिन में मैं उस जो प्लेलिस्ट होता है उसमें वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करूँगा। तो अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग अच्छे तरीके से सीखना है तो जुड़ जाए मेरे इस फैमिली के साथ। तो देखिए, हमारा जो सेट है वो ऑन हो गया है, तो इसको ऑन होने देते हैं कंप्लीट, उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो लोगो था गाइस वो रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है। हमारा मोबाइल कंप्लीट ऑन हो चुका है, तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो लोगो था वो हटा है कि नहीं हटा है। तो देखिए गाइस, आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर जो हेडफोन का लोगो था गाइस वो रिमूव हो चुका है यहाँ से। तो इस चीज़ को आप ट्राई करके देख सकते हो गाइस, कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी हेल्प मिलता है तो आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का एक टैबलेट समान होता है। अगर आप कमेंट करते हो तो वीडियो बनाने में और भी मज़ा आता है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।